दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, कमेंट्स आए थे दो तीन इस टॉपिक पे कि सर जो बीम का जंक्शन होता है वो क्या है, मतलब कई तो फ्रेशर को काफ़ी नहीं पता है इस बारे में, और अगर बीम का जंक्शन है तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सामने आप देख रहे हो ये हमारा एक जंक्शन है, मतलब एक कॉलम रहता है जहाँ दो से या तीन या चार बीम मिले आके उनका सरिया कनेक्ट हो तो वो हमारा जंक्शन बनता है एक। तो ये सामने आप जंक्शन देख रहे हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है स्टील कनेक्ट करने में। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको जो चेक करनी है वो है इसके जो आप स्टीरअप है, आपको टोटल स्टीरअप उसमें प्रोवाइड करना है, ये आपको ध्यान देना है जब भी जंक्शन आप देखो या बंधवाओ, तो मतलब कंप्लीट उसमें स्टीरअप होने चाहिए। और इसमें एक परेशानी क्या दिक्कत आती है आप मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें होता क्या है जब आप जंक्शन अंदर, मतलब क्या एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जब भी बीम कॉलम के पास आए तो उसके जो बार रहते हैं मेन बार उसके बीम के, वो कॉलम के अंदर से जाने चाहिए। तो जब अंदर से डालते हैं तो साइड पे क्या है स्टीरअप में जगह बचती है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें देखी जाती है। कभी कभार तो क्या होता है बार कॉलम बड़ा होता है बीम छोटा होता है तो निकल जाता है तो स्पेस नहीं बचती है। जब ये स्पेस बचे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देना है, 10 डाया का या 12 का एक्स्ट्रा बार अच्छे से टाई कर देना है कि जो स्ट्रेंथ उसकी बनी रहे। तो यही चीज़ जो जंक्शन होता है और यही चीज़ें आपको उसमें ध्यान देनी होती है। थैंक यू गाइस।